अगर आपने पहला एपिसोड देखा है तो आपको पता होगा मैं आया था उड़ीसा के सबसे बड़े सूर्य मंदिर को देखने यानी कोणार्क टेम्पल। तो चलिए आपको यहाँ से लेके चलते हैं उड़ीसा के सबसे बड़े बुद्ध मंदिर में और इधर से करते हैं हमारे नए एपिसोड की शुरुआत। तो गाइज अभी जा रहे हैं हम गाड़ी में क्योंकि अभी दूसरे लोकेशन पे जाना पड़ेगा एंड इधर देख सकते हो काफ़ी सारी दुकान है एंड इधर सब कुछ मिल जाएगा तुमको, बहुत सारे चीज़ें जैसे भगवान के मूर्तियाँ या फिर काजू, इधर क्योंकि काजू बहुत मिलता है इधर एंड इधर देख सकते हो काजू किस तरह से बिकता है। देखो वो जो पैकिंग किया हुआ है ना वो सारा काजू है क्योंकि इधर काजू का खेत है, काजू का बगान है, इधर डायरेक्टली काजू वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। सो अभी हम जाएंगे हमारे गाड़ी पे एंड गाड़ी पे जाने के बाद फिर उधर से जाएंगे दूसरे लोकेशन पे। अगर आपको मेरा वॉइस थोड़ा लो आ रहा है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि इधर हवा बहुत ज़्यादा चलता है एंड मेरे पास अभी मेरा माइक इधर नहीं है। सो देखता हूँ कैसे मैनेज करता हूँ सब कुछ एंड अगर सब कुछ मैनेज नहीं हुआ, अगर आज नहीं हुआ प्रॉपरली वीडियो शूट तो फिर ये जो मंदिर वाला ब्लॉग है ये दूसरे एपिसोड में कर दूंगा, ये नेक्स्ट एपिसोड में मिल जाएगा अगर आज ये प्रॉपरली नहीं हुआ। मतलब हम जो देख रहे हैं कि आज 9 मंदिर हमको घूमना है, 9 जगह जाएंगे, अगर ये 9 प्लेस आज कवर नहीं हुआ ठीक है तो ये दूसरे एपिसोड में आपको मिल जाएगा। एंड लाइक कर दो भाई। चलो तो अभी फटाफट से चलते हैं हमारे गाड़ी पे और अंकल को हमने फ़ोन कर दिया है, वो अभी आते ही होंगे एंड गाड़ी में जाने के बाद हम जाएंगे दूसरी प्लेस एंड उधर जाके देखेंगे कि उधर का लोकेशन कैसा है। इधर का तो आपने देख ही लिया कि कैसा है लोकेशन एंड इधर का मंदिर जो है, ये मंदिर जो स्ट्रक्चर है ये बहुत पहले बनाया हुआ है एंड इधर काफ़ी सारे लोग थे तो इसलिए थोड़ा जगह भरा भरा सा था क्योंकि बहुत सारे लोग थे एंड इधर बहुत सारे मतलब ऐसे चीज़ें थे जैसे अच्छा लगा, जैसे फ्लैग हो गया या फिर पोस्टर हो गया, कुछ ऐसे चीज़ें थे जो काफ़ी अच्छे थे। तो अभी जाएंगे गाड़ी पे एंड गाड़ी पे बैठ के जाएंगे दूसरी जगह। तो सी यू सून। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you. So guys, देख लो ये और देख सकते हो हम आ चुके हैं धवलगिरी मंदिर एंड इधर सीढ़ी, इधर से चल के जाना पड़ेगा, उधर देख सकते हो वो है मंदिर और ये मेरी बहन। सो गाइज अभी हम है धवलगिरी मंदिर में एंड इधर हम अभी चप्पल वप्पल खोल के सब रेडी हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए एंड इधर से नज़ारा बहुत अच्छा है देख सकते हो, वो पीछे नदी भी है, देखो बैक कैमरा से कैसे कितना अच्छा लग रहा है। एक काम करता हूँ मैं थोड़ा और ऊपर चलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ मंदिर का ये नज़ारा। वाओ एंड गाइज इधर बहुत ही अच्छा हवा चलती है जिस वजह से इधर थोड़ा ठंडा मौसम है लेकिन इधर धूप भी है, लेकिन हवा की वजह से धूप इतना मतलब इफेक्ट नहीं करता। तो हम अभी चलते हैं मंदिर एंड मंदिर को देखो भाई कितना प्यारा सा है एंड इधर दो शेर एंड ये घंटा मंदिर में देख सकते हो, कितना अच्छा मंदिर है। एंड गाइज हमने मंदिर में थोड़ा प्रणाम किया एंड इधर भी मंदिर है और मेरे को मिल चुका है थोड़ा भोग प्रसाद, अभी मैं इसको खा लेता हूँ फटाफट से, पहले थोड़ा छाव में चलते हैं। सो गाइज ये मंदिर जो है ये पहाड़ी के ऊपर है मंदिर तो इसीलिए बहुत ऊंचा है एंड इधर से ये नज़ारा भी बहुत अच्छा लगता है एंड हल्की हल्की बारिश भी हो रही है अभी। सो बेसिकली ये मंदिर भगवान शिव का है, इधर हमारा फैमिली भी है और इधर दूसरे लोग भी है जो पूजा करने के लिए आए हैं एंड इधर से भी बहुत अच्छा व्यू है गाइस।
हम अभी आए थे उस रास्ते से जो आप देख रहे हैं, उधर से आए थे और आने के बाद इधर से एंटर होना पड़ता है। और ये है टोटली मंदिर ये, और पीछे एक और मंदिर है, देखते हैं हम उधर जा पाते हैं कि नहीं, अलाउ करते हैं कि नहीं। सो ये बच्चा भी शूट कर रहा है, इधर है हमारे फैमिली, ये मेरी छोटी बहन, एंड इधर एक और मंदिर है, ये श्री कृष्ण का मंदिर है। देखो दूर दूर तक पहाड़ी पहाड़ी दिखाई देता है दूर दूर से, ठीक है। सो अभी हम इस दूसरे वाले मंदिर में जा रहे हैं, इन्होंने अलाउ कर दिया, अभी हम जाएंगे दूसरे वाले मंदिर जो थोड़ा नीचे है, ये नंदी महाराज गणेश जी। सो देख सकते हो ये टोटली ओवरऑल मंदिर जो है, इधर दो बड़े बड़े शेर है गाइस, एंड इधर पीछे जाने का भी रास्ता है। देख सकते हो बहुत ही अच्छे नज़ारा के साथ ये बड़ा मंदिर, एंड इस मंदिर के चारों तरफ शेर है बड़े बड़े। तो हम मंदिर के ऊपर चलते हैं पहले, इधर थोड़ा पानी गिरा हुआ है, कोई ना, हम पहले मंदिर के ऊपर चलते हैं। एंड इधर देख सकते हो गाइस, ये है बुद्ध देव, स्टैचू ऑफ बुद्ध देव, एंड इधर एक प्यारा सा डॉग है, ये है विष्णु, विष्णु भगवान, एंड इधर भी दो शेर है, एंड इधर से नज़ारा बहुत अच्छा लगता है गाइस। अभी हम रेड कारपेट के ऊपर चलेंगे, एंड इधर देख सकते हो द स्लीपिंग बुद्धा, देखा एक स्लीपिंग बुद्धा, और पता नहीं ये डॉग कहाँ से आ जाते इतने ऊपर। एंड इधर सारे बुद्धा के स्टैचू है, मतलब ये टोटली ओवरऑल एक बुद्धा का मंदिर है। सो देखते हैं इसका अंदर कुछ है या फिर बाहर ही सब स्टैचू है। एंड इधर बहुत टूरिस्ट लोग भी आए हैं। सो इधर एक और स्टैचू। सो अभी आपने तो मंदिर देख ही लिया होगा, सो अभी हम जाएंगे दूसरे मंदिर या फिर देखते हैं, इधर एक जू भी है, तो देखते हैं उधर जा पाते हैं कि नहीं। तो इधर फटाफट से इधर से निकलते हैं। एंड भाई ये टाइल जो है ना बहुत गर्म है भाई, पैरों में डायरेक्ट लग रहा है हीट। एंड इधर से अभी अभी मंदिर देखते हुए दो दो फ्लाइट गुजरा, लेकिन मैं उसका टेक नहीं ले पाया क्योंकि मैं इन लोगों का मतलब मेरे भाई का या फिर बहन का फ़ोटोशूट कर रहा था, फ़ोटो खींच रहा था, तो इसलिए मेरा भी फ़ोटो लेना नहीं हुआ, तो अभी ये लेट हो गया शूट करने में। तो अभी फटाफट से चलते हैं दूसरे मंदिर या फिर देखते हैं प्लान कुछ और है या फिर कि जू जाते हैं, तो देखते हैं कहाँ पे जाते हैं पहले। सो भाई अभी थोड़ा रुके हैं इधर, उधर मंदिर से तो थोड़ी देर पहले निकल चुके हैं, एंड इधर अभी पेट्रोल पम्प में थोड़ी देर रुके हैं ताकि इधर थोड़ा अपना पानी वानी सब भर लिया जाए, क्योंकि बाद में रास्ते में मिले या ना मिले, और इधर टॉयलेट भी मिल जाएगा लेडीज लोगों के लिए। तो फ्रेश होने के बाद फिर इधर से निकलते हैं, चलो। सो अभी हम आगे बैठे हैं हम दोनों, देख सकते हो, और अभी जा रहे हैं नंदगनन।